और यहाँ पर एक रास्ता जाता है, वो रास्ता ऑक्यूपाइड है बिल्कुल चमगादड़ों के द्वारा, और इतनी बुरी बदबू है यहाँ पर कि सांस लेना भी मुश्किल है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। यहाँ पर इस समय सिर्फ कुछ चिड़ियों के अलावा कोई इंसान जानवर तक भी नहीं है। तो जानी चोर अपने घोड़े के साथ ऐसे बताते हैं कि वो इसमें इनमें कूद जाया करता था, घुस जाता था और गायब हो जाता था। यही है वो रहस्यमय मशहूर महम रोहतक हरियाणा की जानी चोर की बावड़ी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ भारत के हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में एक मशहूर और विख्यात चोर जिसका नाम है जानी चोर, उसकी गुफा के अंदर कुछ वे राज और वे रहस्य दिखाने और बताने जो शायद आज तक आपने न कभी सुने हो न कभी देखे हो। ये देखिए, यहाँ से सब सुनसान पड़ा है, वीरान पड़ा है, जैसे कर्फ्यू लगा हुआ हो। भारत में इस समय गर्मी की हीट वेव चल रही है, इतनी गर्मी है। यहाँ से ये सुरंग देखिए, ये दरवाजे सॉरी ये जीना पैड़ी, ये धीरे धीरे उतरती हुई, और इसमें ढलान है एक तरह की। आइए मेरे साथ इस ढलान से उतरते हुए, यहाँ पर इस समय सिर्फ कुछ चिड़ियों के अलावा कोई इंसान जानवर तक भी नहीं है। ये देखिए दोस्तों, इसे बोलते हैं हम यहाँ हरियाणा में रोहतक में जानी चोर की गुफा या सुरंग। इसे शाह बाबा की बावड़ी भी या शाहजहाँ की बावड़ी के नाम से भी जानते हैं। ये माना जाता है कि शाहजहाँ के समय में इस बावड़ी को यहाँ पर बनवाया गया था। ये ऐतिहासिक कस्बा है महम। मुगल काल में यह कस्बा मुस्लिम बहुल कस्बा हुआ करता था, और यहाँ के मोस्टली मुस्लिम्स 1947 में पाकिस्तान चले गए। उसके बाद से यह इस कस्बे में यह मशहूर भारत की रहस्यमय जानी चोर की बावड़ी आज भी है। शाहजहाँ के समय में मुगल काल में माना जाता है कि बावड़ी का इसका निर्माण हुआ। यहाँ पर ये देखिए आप, ऐसे ऐसे काफ़ी सारे स्ट्रक्चर हैं, इसमें शायद स्टे करने के लिए, रुकने के लिए या आश्रय के लिए, बारिश धूप वगैरह से बचने के लिए। यहाँ पर ये चारों तरफ ये आले भी हैं इनमें, और यहाँ पर इधर भी इस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो शायद ये राहगीरों के लिए, यात्रियों के लिए आराम करने की जगह थी, पॉइंट था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल कुआं था, काफ़ी सारे लोगों के लिए रहने के लिए व्यवस्था थी। ज़बरदस्त ये आर्किटेक्ट है, स्ट्रक्चर है। और एक चीज़ देखिए, सामने से ये इसका रास्ता जाता है उस बावड़ी की तरफ। यही है वो रहस्यमय मशहूर महम रोहतक हरियाणा की जानी चोर की बावड़ी। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस बावड़ी का नाम जानी चोर की बावड़ी कैसे पड़ा। ये देखिए दोस्तों, इस जानी चोर की बावड़ी में यहाँ पर इतने चमगादड़ हैं, यहाँ पर आप ध्यान से, कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत ध्यान से देखें। और यहाँ पर एक रास्ता जाता है, वो रास्ता ऑक्यूपाइड है बिल्कुल चमगादड़ों के द्वारा, और इतनी बुरी बदबू है यहाँ पर कि सांस लेना भी मुश्किल है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। और ये रास्ता जीना इन्हीं के द्वारा ऑक्यूपाइड है। यहाँ पर सामने एक बार स्ट्रक्चर देखिए ऊपर, कितना शानदार। यहाँ से और आगे चलते हैं बावड़ी की तरफ। आइए अब आपको कुछ और ज़बरदस्त रहस्य में बात बताता हूँ। ये देखिए, ये जो आप ये तालाब या ये सरोवर सा देख रहे हैं, ये दरअसल जानी चोर की जो बावड़ी है, सुरंग है या शाहजहाँ की बावड़ी के नाम से है। यहाँ पर काफ़ी ये गहरा पानी का स्रोत है, जल कुंड है। और इधर आइए पीछे से निकलकर, मैं आपको एक और ज़बरदस्त बात बताता हूँ। यहाँ से हम इसमें घूमते हुए अगर जाएंगे, देखिए ये बीट पड़ी हुई है सभी चमगादड़ों की, बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बदबू है चारों तरफ। ये देखिए, ये है जानी चोर की मशहूर बावड़ी का वो कुआं माना जाता है। दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊँ, मैं बिल्कुल इसके किनारे पर खड़ा हूँ, जो और ज़्यादा मुझे जाना नहीं चाहिए। ये बहुत गहरा कुआं है, ऐसा बताया जाता है 1995 से पहले ये जो है जल जो स्तर है ये इतना नहीं था, ये काफ़ी नीचे था जल स्तर इसमें। और इसमें ऐसे ऐसे यहाँ पर इसके बराबर में जीने गए हुए हैं, पैड़ी हैं चारों तरफ इसके घूमते हुए यहाँ से नीचाई से। और 7 मंजिला, जी हाँ, 7 मंजिला दोस्तों, यहाँ पर कमरे बने हुए हैं बहुत बड़े बड़े इसके अंदर चारों तरफ, अंडरग्राउंड 7 मंजिला पुराने समय से।
ऐसा लोग मानते हैं कि जानी चोर, जो कि जानी चोर हरियाणा की फोक स्टोरीज में एक महान योद्धा माना जाता है, एक देवी का भक्त जो कि मुगल काल में मुगलों से सदा लड़ता रहा और उनके खिलाफ अधिकतर हमेशा जानी चोर को ही जीत हुई। ऐसा बताते हैं कि जानी चोर एक लुटेरा था जो कि जालिमों को और उस समय के नवाबों को और मुगलों को लूटता था। एक बार ऐसा हुआ, ऐसा बताते हैं कि जानी चोर ने इस गुफा को, इस सुरंग को ऑक्यूपाई कर लिया, यानी कि यहाँ पर अपना ठहरने का, रहने का, छुपने का ठिकाना बना लिया। ऐसा बताते हैं कि वो इस घोड़े के द्वारा वहाँ से सीधा आता था और इनमें यहाँ पर इसमें भी अंदर अंडरग्राउंड कमरे हैं, ये जो आप पानी भरा देख रहे हैं 95 के बाद है, इसमें अंदर चारों तरफ यहाँ भी और वहाँ भी जीने हैं, पैड़ी हैं और वे सुरंगें हैं अनेक, इसमें कई सारी और 7 मंजिला कमरे हैं। तो वे जो सुरंगें हैं, वे सुरंगें कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ से दिल्ली तक निकलते हैं, हिसार तक, लाहौर तक, कई बहुत जगहों तक यहाँ से निकलती हैं। तो जानी चोर अपने घोड़े के साथ ऐसे बताते हैं कि वो इसमें इनमें कूद जाया करता था, घुस जाता था और गायब हो जाता था और इन सुरंगों में उसको ढूंढना नामुमकिन था, असंभव था। उस आज तक वहाँ पर कोई भी नहीं ढूंढ पाया और इसी तरीके से वो इस बावड़ी में, इस सुरंग में, इस गुफा में रहा करता था। इसी कारण इस जगह का नाम समय के अनुसार जानी चोर की बावड़ी या सुरंग पड़ गया। अदरवाइज वैसे ये मेंशन है कि यह बावड़ी जानी चोर ने नहीं बनवाई, लेकिन जानी चोर क्योंकि एक चोर था, लुटेरा था, डाकू था, तो वो ऐसी जगहों का इस्तेमाल करता था। ये बावड़ी दरअसल इतनी रहस्यमय है कि यहाँ अकेले आदमी को अगर यहाँ कोई ना हो तो वास्तव में डर लगता है। आप देख लीजिए एक बार क्या हाल है, ऊपर से यहाँ तक इतने बड़े बड़े यहाँ पर चमगादड़ हैं, एक एक से दो दो किलो के, और यहाँ किसी भी तरह चारों तरफ यहाँ देखिए बदबू, पानी। एक बार फिर से मैं एक बार ये दिखा दूँ आपको, ये देख लीजिए आप अपनी आँखों से। कुछ लोग मानते हैं कि जानी चोर इसमें गायब हो जाता था, इसमें बने सुरंगों में, इसमें बने कमरों में, तहखानों में उसका खजाना रहता था और वो खुद इसमें छुपता था। अब मैं आपको दोस्तों इस सुरंग के, जानी चोर की बावड़ी के कुछ और भी रहस्यमय हिस्से दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। अब मैं इसको, इस बावड़ी के आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। ये लाखोरी ईंटों से बनी हुई है, यहाँ से हम जाएंगे और वहाँ वो जीना देख रहे हैं आप लोहे का, वहाँ से हम चढ़ेंगे और इसका ऊपर का व्यू और ऊपर से भी जो जो चीज़ देखने लायक है मैं वो अब आपको दिखाता हूँ। जानी चोर के बारे में वैसे तो अनेक मशहूर किस्से बताए जाते हैं, एक और मशहूर किस्सा इस एरिए से जुड़ा हुआ है, महम से। ये बताया जाता है एक पुराने समय में मुगल काल में एक रानी थी, हिंदू लड़की, राजकुमारी, जिसका नाम था राजकुमारी महक दे। उसको यहीं आसपास किसी नवाब ने, जिसका नाम अदली खान पठान था, उसने उसको अपहरण कर लिया और उस पर शादी का फोर्स किया। रानी महकदे ने, राजकुमारी महकदे ने समझदारी दिखाई और उससे कुछ दिन का समय मोहलत मांगी। किसी तरह वो नवाब रेडी हो गया, अदली खान पठान। और इस बीच वो महकदे जो राजकुमारी थी, वो रोज़ चिट्ठी से खत लिखकर अपनी ये फरियाद बाहर फेंक देती थी। एक दिन बाई चांस इस जगह से जानी चोर और उसका दोस्त जा रहे थे, तो जानी चोर के हाथ वो चिट्ठी लग गई और जानी चोर रानी महकदे को बचाने के लिए, उन्होंने उस समय में ये ज़बरदस्त ऑपरेशन किया था, यानी कि ये सर्जिकल स्ट्राइक जिसे कह सकते हैं, जिसमें नवाब की और उसकी सेना को अकेले जानी चोर ने हराया था और रानी महकदे को आज़ाद कराया था और अदली खान पठान की दाढ़ी और मूछ भी काट कर जानी चोर ले गया था। ऐसा लोक मान्यता सदा से है। कोई भी आपको परिंदे के अलावा कोई जीव जंतु भी इस एरिया में नहीं दिखेगा, आइए मेरे साथ। ये एक और ऐसे ही सुरंगों में से रास्ते हैं, यहाँ पर जीने हैं। और ये देखिए एक बार दिल जीत लेने वाला, मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य है। दरअसल गर्मी दोस्तों इतनी है बहुत ज़्यादा, ये देखिए एक बार। ऐसा बताते हैं कि डेरिंग जानी चोर अपने घोड़े के समेत कूद जाया करता था इनमें और उस पर ऐसा आशीर्वाद था, ऐसा मानते हैं लोग, कि वो देवी का ऐसा भक्त था
कि वो उसका घोड़ा भी डूबता नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि उसके घोड़े के पैरों में ऐसी शक्ति थी, मणि थी, कि वो डूबता नहीं था और अंदर ही अंदर पानी के वो तैर सकता था। ऐसा मानते हैं कि इसमें डूब जाता कूद जाता था, मुगल सेना पीछे आती थी भागते हुए पकड़ने के लिए, जैसे भी और जानी चोर उन सुरंगों से होता हुआ अपने डेस्टिनेशन पर निकल जाता था। ये फारसी में, इस पर जूम करके दिखाएं, फारसी में तभी से 1600 में जब ये बनी थी तभी से ये मॉन्यूमेंट के ऊपर ये लिखा हुआ है फारसी में। और इसको चश्मा, झरना, मीठे पानी का, इस तरह के इसके बारे में कुछ कुछ यहाँ पर जानकारी है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका बाकी बचे दूसरा हिस्सा। आइए इधर, यहाँ से इस जानी चोर की बावड़ी के का ये मेन कुआँ है। यहाँ इसमें अंदर ही अंदर इस बावड़ी के साथ में कमरे हुआ करते थे, सुरंगें हुआ करती थी घुसने की, रहने की। ये एक बार देखिए, जब इसमें से पानी निकाला जाता होगा कितने भारी भारी पत्थर के चूल लगे हुए हैं। देखिए ये पत्थर, देखिए किस तरीके से निकाला गया है, किस तरीके से पानी निकाला जाता था उस समय मुगल काल में। उसी समय की ये ईंट, पत्थर, चूना, छोटी ईंटें, लाखों ईंटें यहाँ आज भी हैं। दोस्तों, आसपास के इस एरिया में एक और प्रचलित मान्यता कहावत भी है कि 1947 के आसपास या उससे पहले यहाँ पर इस जानी चोर की गुफा में एक बारात गुम हो गई थी। वो यहाँ से कहीं लोकल से दिल्ली उसको जाना था, तो इन सुरंगों में बताते हैं। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर वाटर लेवल पहले कम था, वो आप देख सकते हैं। तो वहाँ से रास्ते हुआ करते थे, जीने पैड़ियाँ हुआ करती थी, कमरे हुआ करते थे, सुरंगें हुआ करती थी। तो वो बारात बताते हैं कि यहाँ से वो घुस गई और वो पहुँच नहीं पाई और वो गुम हो गई इन्हीं सुरंगों में। और ऐसा मानते हैं कि वे उन लोगों का आज तक भी कोई सुराग नहीं है, पता नहीं लगा। इस घटना के बाद, ये 1947 के कुछ समय के समय की घटना है, तो ऐसा मानते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत ने, ब्रिटिश हुकूमत ने इन सुरंगों को यहाँ पर नीचे जो है बंद कर दिया है। 1995 से पहले लोगों ने भी उन जगहों को, सुरंगों के रास्ते तो बंद थे लेकिन उन कमरों को, उन जीनों को, उन पेड़ियों को खुद देखा है। आज भी अगर इसमें प्रॉपरली इसकी रिसर्च की जाए, इसकी खुदाई की जाए या इस पर शोध किया जाए, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा रहस्यमय यहाँ से निकल सकता है जो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है जानी चोर से, उसके कीमती अरबों रुपए के खजाने से, जो कि माना जाता है वो भी यहीं पर दफन है, और भी कुछ ऐसे राज मुगल काल इतिहास के जो शायद आज तक न किताबों में जगह बना पाए और जिसके बारे में न ही आज तक लोगों को पता है। जिन लोगों को यहाँ पर आना है, विजिट करना है, ये बहुत आसान है। दिल्ली से रोहतक और रोहतक से कस्बा है लगभग 30 किलोमीटर दूर महम, वहाँ तक सभी पब्लिक कन्वेंस अवेलेबल है। फिलहाल तो नहीं है, लॉकडाउन है, लेकिन आप कभी इस हिस्टोरिक और मिस्टीरियस बावड़ी को देखना चाहें तो आप कभी भी आ सकते हैं, जिसमें माना जाता है कि हरियाणा के मशहूर और दिलों पर राज करने वाले लोकनायक जानी चोर का खजाना दबा हुआ है और उसकी वीरता के किस्से इस गुफा में, इस सुरंग में आज भी चप्पे चप्पे में विद्यमान है।